हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर टू डू फॉर डू लूप फॉर लूप इन सिंपल वर्ड। तो फॉर लूप क्या होता है, प्रीवियस एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट इसमें हम स्टेटमेंट देखेंगे क्योंकि मैं स्टेटमेंट और सिंटैक्स कैसे होता है ये बताना आपको भूल गया था। एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है उसका, यूज़ अ रिपीटेड सिक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एज लॉन्ग एज द कंट्रोल वेरिएबल रिमेन विद इन द स्पेसिफिक सिक्वेंस। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देखो ये फॉर लूप है, ये सिंटेक्स में कैसे होता है, ये फॉर लूप ले लिया, दिस इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी एक बीट है उसमें एक सीक्वेंस है, लाइक 1 to 100 आपको एक 1 to 100 के रेंज में 1 by 1 एक सीक्वेंस फॉलो करना है, और जब भी वो सीक्वेंस रन होगा आफ्टर दैट वो सीक्वेंस रन होने के बाद हमें जो स्टेटमेंट है फॉर लूप का वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जैक्टली मतलब विद इन दैट सीक्वेंस, राइट, जब तक वो सीक्वेंस चल रहा है तो फॉर लूप खत्म नहीं होगा। वो सीक्वेंस जब पूरा खत्म होगा मीन्स फ्रॉम 1 to 100 जब तक इंक्रीमेंट होता है और स्टेटमेंट पास नहीं होता है तब तक ये फॉर लूप नहीं होगा। उसी तरह से मैं आपको अभी ये समझाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। सो यू गो टू आवर प्रोग्राम, यू कैन सी हियर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या लिखा है, मैंने एक फिलिंग टैंक लिया है, राइट, एक फिलिंग टैंक लिया है, टैंक का पुश बटन है, ये समझ लीजिए पुश बटन है, और मैंने इसका इफ कंडीशन डाला है। तो ये इफ कंडीशन नहीं होता तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में जाएगा, बट हमें कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन नहीं करना है कि फॉर लूप जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इफ वाला कंडीशन डाला है। तो इफ कंडीशन में क्या है, इफ कंडीशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया कि कुछ तो भी एक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होने के बाद जो उसके बॉडी में लिखा है यानी जो स्टेटमेंट लिखा है वो फॉलो होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि पापा जब भी मेरा जो टैंक है उसका पुश बटन जब तक प्रेस नहीं, मतलब 2 नहीं है तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे ही मेरा पुश बटन क्लिक हुआ मतलब ऑन हुआ ट्रू हुआ तो मेरा फॉर लूप स्टार्ट हुआ। फॉर लूप में क्या लिखा है हमने, SCL1 आई की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 10, जब तक वो 0 to 10 इंक्रीमेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा 1 by 1, जब ये 0 to 10 इंक्रीमेंट करेगा ये जो है SCL टैंक आई यानी क्या आई की वैल्यू कब कैसी बढ़ रही है फ्रॉम 0 to 10। तो हमने इसको क्या कर दिया है, एक जो टैंक है टैंक वन, फिर ये क्या करेगा, देखो ये मेरा टैंक है और मैंने उसको एरे ले लिया है, एरे फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 मीन्स 10 वाला। तो ये हो गया, यहाँ पे 0 to 9 भी ले सकता था, मैंने 10 लिया है और वी कैन ऐड वन मोर टैंक हियर, बट अभी जो एग्जांपल है वैसे रखेंगे। तो इसमें क्या किया है मैंने, ये टैंक लिया है फ्रॉम 0, कितना टैंक है मेरे पास 0 to 9, 10 टैंक है, और ये जो टैंक है ना 1 by 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, टैंक 1 by इंक्रीमेंट होके ट्रू हो रहा है। तो अभी हम ये इनिशियली फॉल्स है, देख रहे हैं आप ये इनिशियली फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे अभी एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही ये जो मेरा टैंक फिल है मैं प्रेस करूँगा तो ये जितने भी टैंक है उसके जो वॉल है, ऐसा समझना ये वॉल है सब, तो वो क्या होने है, होने वाले है ऑन होने वाले। लेट्स सी, मैंने यू कैन सी हियर मेरे जितने भी टैंक है वो सब फिलिंग स्टार्ट हो चुका है उनका, राइट। तो उसी तरह से हम इसमें क्या कर सकते थे, वी कैन टेक अ टैंक टू, इसमें हम टैंक टू या उसको कुछ हर एक के लिए एक कंडीशन लगा सकते थे। मैं यहाँ पे और ये जो कंडीशन है ये इसके सामने लिख के हम यहाँ से जितने ऑन करने, लाइक मुझे फर्स्ट 0 टैंक जो ये वाला टैंक है मुझे ऑन करना है, फर्स्ट वाला टैंक ऑन करना है, फिफ्थ वाला टैंक ऑन करना है, 9th वाला टैंक ऑन करना है, तो हम स्पेसिफिक टैंक ऑन कर सकते थे बाई यूजिंग दिस एरे। तो इसमें जितने ऑन होंगे उतने ही यहाँ पे ऑन हो सकते थे, ये भी प्रोग्राम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, कंडीशन हो सकती थी, ये स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन मैंने सिंपल सा प्रोग्राम अभी किया है। इफ़ यू वांट अ गुड एग्जांपल, मीन्स ये भी अच्छा एग्जांपल है लेकिन यू वांट अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, दिस वन इज सिंपल वन, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम चाहिए तो मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ये सीक्वेंस हो रहा है 0 to 10, वही सीक्वेंस हमने क्या किया है, टैंक को दे दिया है, टैंक 1 by 1 इंक्रीमेंट हो रहा है और ट्रू हो रहा है, दैट्स इट, इसमें इतना ही किया है। सो होपफुली आपको ये जो मेरा फॉर लूप है आपको समझ में आया होगा, इससे में कैसे यूज करना है क्या करना है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोज, स्टे ट्यून
लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम जो देखने वाले हैं व्हाइल लूप देखना.